ग्वालियर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे तीन हुक्का बारों पर देर रात छापा मारा और बिना अनुमति हुक्का बार संचालित करने पर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया। साथ ही बिना अनुमति के हुक्का बार संचालित करने पर आधा दर्जन से अधिक आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी सिटी और इलाके में रेस्टोरेंट के नाम पर हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने देर रात कार्रवाई की। देर रात हुई पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान बार में हुक्का पीने पहुंचे युवाओं में भगदड़ मच गई। पुलिस पहले भी शहर के अलग अलग इलाकों में प्रतिबंधित हुक्का बार पर कार्रवाई कर चुकी है। वहीं आरोपी बार बार नाम बदलकर नए रेस्टोरेंट खोलकर हुक्का बार संचालित करते हैं। मुखबिर के द्वारा भी दी गई, तो इस पर यूनिवर्सिटी की टीम लगाई जाकर सीएसपी यूनिवर्सिटी रत्नेश सिंह तोमर के नेतृत्व में तीन टीमें बनाई गई, और जिसमें कि रोहित भदौरिया सब इंस्पेक्टर और अन्य जो सब इंस्पेक्टर थे उनके द्वारा तीन जगह पटेल नगर में स्थित अलग अलग हुक्का बार है वहाँ पर उनके द्वारा रेड की कार्रवाई की गई और वहाँ पर छः आरोपियों के हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। वहाँ पर आईपीसी सेक्शन 269 के तहत यूनिवर्सिटी में तीनों ही जो संचालक हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया। हुक्का बार से संबंधित जो सामग्री है उसको भी जब्त कर लिया गया है।